जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश का करंट अफेयर 6 सितंबर का। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है मध्य प्रदेश का, एमपी का करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है यह करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आखिरी में आपके लिए चैलेंज प्रश्न दिया जाता है और आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा स्थान मिला है। तो यह आपके लिए बताना है, करंट का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर बनता है तो बताएं पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। चार विकल्प है आपके सामने, क्या होगा इसका राइट आंसर। और आपके लिए आखिरी में एक जो है चैलेंज प्रश्न दिया जाता है जिसका आंसर आपके लिए कमेंट में बताना होता है। जो भी कमेंट में विस्तृत लिखता है उसका कमेंट अगले वीडियो में शामिल किया जाता है। तो इसका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह चौथा यानी कि विकल्प नंबर चार आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा स्थान मिला है, तो चौथा। तो यहाँ पर थोड़ी सा यहाँ पर विस्तृत में पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए, औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह, यह आपके लिए याद रखना है। औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन मंत्री कौन है, श्री राजवर्धन सिंह। दत्ती गांव ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में राज्यों की रैंकिंग में मध्य प्रदेश का जो देश में स्थान है वह चौथा है। और उन्होंने बताया कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के लिए नई दिल्ली में 5 सितंबर को आयोजित एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने राज्यों की रैंकिंग की घोषणा की है। शीर्ष 10 राज्यों में मध्य प्रदेश सहित आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और गुजरात भी शामिल हैं। तो शीर्ष जो 10 जो राज्य हैं यह आपके लिए याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो, क्या है। मध्य प्रदेश के स्कूल पाठ्यक्रम में किस स्पोर्ट्स को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। यह निर्णय लिया है कि जो स्पोर्ट्स है इसको शामिल किए जाने का निर्णय लिया है खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया जी ने। तो कौन सा वह है स्पोर्ट्स है, कौन सा खेल है, क्रिकेट, हॉकी, तैराकी या फुटबॉल। चार विकल्प हैं आपके सामने और क्वेश्चन नंबर दो का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या है। तो क्वेश्चन नंबर दो है यहाँ पर और इसका जो राइट आंसर होगा वह है हॉकी। हॉकी आपका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के स्कूल पाठ्यक्रम में स्पोर्ट्स जो खेल है हॉकी, इसको अनिवार्य रूप से शामिल किए जाने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2019 से सॉरी 2020 से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आज ही इनको जो है सम्मानित किया गया है। तो इनको सम्मानित किया गया है तो बताइए 5 सितंबर को। तो हाल ही में प्रदेश के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, एक, दो, तीन या चार। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीन का जो राइट आंसर होगा वह क्या है, कितने शिक्षक हैं। तो आपका आंसर होगा दो, दो आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। दो शिक्षकों को जो है शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर विस्तृत पढ़ लेते हैं वह कौन से दो शिक्षक हैं। मध्य प्रदेश के दो शिक्षकों को श्री मोहम्मद शाहिद अंसारी जी और श्री संजय कुमार जैन को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से पुरस्कार प्रदान किए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक और शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे सहित जो मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी ने दोनों शिक्षकों को बधाई दी है। शिक्षक श्री मोहम्मद शाहिद अंसारी को गणित पढ़ाने में उनकी प्रभावशीलता के लिए सम्मानित किया गया है। वे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो है खिसरा डोहे परासिया छिंदवाड़ा के शिक्षक हैं। तो यह आपके लिए याद रखना है, शिक्षक हैं यह कहाँ के, छिंदवाड़ा के।
और जो है और पिछले 14 वर्षों से गलत पढ़ा रहे हैं उन्होंने गलत में कई प्रभावी शिक्षण सामग्री और शिक्षण अधिगम सामग्री का नवाचार क्या है जिसे व्यापक रूप से अपनाया गया है। दूसरे जो है विजेता कौन है, वह है शिक्षक श्री संजय कुमार जैन, शासकीय बालिका प्राथमिक शाला डुंडा टीकमगढ़ के शिक्षक हैं, यह भी जो है टीकमगढ़ के हैं और वे एक उच्च प्रेरित और प्रतिबद्ध शिक्षक हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश के दूर दराज क्षेत्र में अपनी अच्छी बुनियादी ढांचे के साथ एक स्कूल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है इन्होंने, संजय कुमार जैन ने। और इन्होंने स्कूल में फर्श, दीवारें और खुले स्थानों पर उपयोग करके कई शिक्षण प्रशिक्षण प्रथाओं का नवाचार किया है इन्होंने। और प्रशिक्षण जो शिक्षण सामग्री के रूप में आसपास के पत्थर और कंकर का उपयोग किया है इन्होंने, जो है पत्थरों पर चट्टानों पर लिखकर जो है प्रशिक्षण शिक्षण इन्होंने दिया है। तो यहाँ पर यह भी आपके लिए याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जितेंद्र सिंह चौहान को किस स्मार्ट सिटी का सीईओ बनाया गया है? तो 4 विकल्प हैं आपके सामने, उज्जैन, जबलपुर, सागर या जो है भोपाल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं, आंसर बनता है तो कमेंट में सभी लोग बताते जाएं। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है उज्जैन, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। जो जितेंद्र सिंह चौहान है इनको स्मार्ट सिटी का सीईओ बनाया गया है उज्जैन, तो यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों से निकलने वाले घातक केमिकल वेस्ट के ट्रीटमेंट के लिए किस नगर निगम ने ईटीपी प्लांट का संचालन शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर या इंदौर? इस प्रकार आपके 4 विकल्प दिए हैं, आंसर बताएं कमेंट में अगर बनता है आपसे। देखिए क्या उद्योगों से निकलने वाले घातक केमिकल वेस्ट के ट्रीटमेंट के लिए किस नगर निगम ने ईटीपी प्लांट का संचालन शुरू किया है? तो आपका राइट आंसर होगा इंदौर, विकल्प नंबर जो आपका 3 है यहाँ पर राइट आंसर होगा क्या है, इंदौर आपके यहाँ पर सही आंसर है। और देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को करेंगे स्वनिधि संवाद, तो देश में अव्वल एमपी के स्ट्रीट वेंडर्स बताएंगे आत्मनिर्भर की दास्ता। तो यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को स्वनिधि संवाद के माध्यम से वर्चुअल कार्यक्रम में स्ट्रीट वेंडर के साथ जो है चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में कोविड-19 की मुश्किल घड़ी में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 1.15 लाख छोटे छोटे व्यवसायियों को व्यवसाय उन्नयन के लिए ऋण दिया गया, इन्हें 115 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। और इस योजना में सिर्फ 3 हफ्ते में 8.78 लाख पंजीयन किए गए, मध्य प्रदेश देश में योजना की क्रियान्वयन में अव्वल है। तो आपके लिए यह याद रखना है, स्ट्रीट वेंडर्स जो योजना है इसमें प्रथम स्थान पर है कौन, एमपी है, आपके लिए याद रखना है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज मंत्रालय में प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा 9 सितंबर को किए जाने वाले स्वनिधि संवाद वर्चुअल कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में नगरीय प्रशासन विकास विभाग के अधिकारियों से चर्चा की है। उल्लेखनीय है कि 1 जून से शुरू पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश 4 लाख पथ विक्रेताओं को परिचय पत्र और वेंडर प्रमाण पत्र भी जारी किए गए हैं। कुल 2,40,000 पात्र हितग्राहियों के आवेदन पोर्टल पर बैंकों के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, तो यह भी आपके लिए याद रखना है। और अब आ गई आपकी जो है, हमने चैलेंज प्रश्न दिया था आपके लिए कल के वीडियो में कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो बहुत सारे लोगों ने इसका जो है राइट आंसर बताया था। और अभी आपके लिए इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन फिर दिया जाएगा जिसका आंसर आपके लिए विस्तृत कमेंट में लिखें, तो आपका भी कमेंट वीडियो में शामिल करते हैं, जो भी विस्तृत में लिखता है उनका कमेंट अगले वीडियो में शामिल किया जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कल की वीडियो में, पिछले वीडियो में, कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो बहुत सारे लोगों ने इसका राइट आंसर बताया था, क्या बताया था, कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान, विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर है, कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए जो कमेंट किया था इसका बहुत ही विस्तृत लिखा था यहाँ पर किन्होंने, जितेंद्र धाकड़ जी ने, इन्होंने बहुत ही विस्तृत, और रोज कमेंट करते हूँ विस्तृत लिखते हैं इसी प्रकार से, तो चलिए इनका कमेंट पढ़ लेते हैं। और देखिए इनका जो कमेंट रोज है, जो अलग अलग कमेंट लिए जाते हैं, जैसे आज यहाँ पर जितेंद्र धाकड़ जी का ले लिया, कल और कोई का भी ले लिया जाएगा जो भी विस्तृत लिखता है। तो देखिए इन्होंने लिखा है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है,
और जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व में शामिल होने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1973 के अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से 1974 में शामिल किया गया। कानाकसली राष्ट्रीय उद्यान में जो है ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है, जैसे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु और मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर 1981 को घोषित किया गया। कानाकसली राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना खुद का जो है शुभारंभ स्थापित किया। ब्रांडेरी प्रजाति का बारहसिंगा यहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर? कानाकसली राष्ट्रीय उद्यान में। तो यह आपके लिए यहाँ पर याद रखना है, आपसे क्वेश्चन बनेगा कि ब्रांडेरी बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है कानाकसली राष्ट्रीय उद्यान में। आगे क्या है, देखिए आगे यहाँ पर लिखा है इन्होंने कि यहाँ पर देखिए द जंगल बुक ब्रिटिश के लेखक हैं। कौन है ब्रिटिश के लेखक? रुडयार्ड किपलिंग। इन्होंने कानाकसली राष्ट्रीय उद्यान में बैठकर अपनी पुस्तक लिखी, कौन सी? द जंगल बुक। यह आपके लिए याद रखना है, रुडयार्ड किपलिंग ने यह पुस्तक लिखी है। और मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान रखने वाला राज्य भी है। कानाकसली राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को एक गलियारे के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि दोनों उद्यानों के पशु एक दूसरे के क्षेत्र में जो है भ्रमण कर सकें। इस उद्यान में हेलोन घाटी तथा बंजर घाटी पाई जाती है, जो है मंडला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्र 940 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान को सबसे पहले 1933 में वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया था, यह भी आपके लिए याद रखना है। एमपी के जो अन्य, अब यहाँ पर थोड़ी सा और पढ़ लेते, बहुत सारा इन्होंने कमेंट में लिखा है, तो एमपी के और जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में थोड़ी थोड़ी सा पढ़ लेते हैं। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इस उद्यान में संख्या सागर झील है तथा भव्य जॉर्ज कैसल देखने को मिलता है। और देखिए यहीं पर जो है तात्या टोपे जी की समाधि स्थल है शिवपुरी में, और यहाँ से NH3 गुजरता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 है, यह शिवपुरी जिले में स्थित है, और इनकी समाधि कौन की? तात्या टोपे जी की। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना जो है 1968 में की गई थी। यहाँ पर सबसे ज्यादा बाघ घनत्व है। यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि 32 पहाड़ियों से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान घिरा है, तो वह घिरा है कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो यह महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि सिवनी जिले में स्थित है। इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी के सम्मान में प्रियदर्शनी रखा गया है। इस मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है, मोगली लैंड। और आगे देखते हैं, तो देखिए संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तो आप इसके बारे में पढ़ लेते हैं, सीधी जिले में स्थित है। यह चीतल, यहाँ पर चीतल पाया जाता है, जो कि जनसंख्या में मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा पशु संख्या राष्ट्रीय उद्यानों में, जो कि छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय राज्य से लगा है। पन्ना है यहाँ पर, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, तो पन्ना छतरपुर स्थित है, और यहाँ से केन नदी गुजरती है। मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क यहाँ पर स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी का एकमात्र रेप्टाइल पार्क कहाँ पर है स्थित है, तो आपके लिए जो है याद रखना है जो छतरपुर। और देखिए जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मंडला, यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है तथा मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्र 0.27 वर्ग किलोमीटर है, तो यह भी इन्होंने कमेंट में लिखा। अब यह वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, और यहाँ पर मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान भी है, कहाँ पर? भोपाल में, यह भी आपके लिए याद रखना है। डायनासोर जीवाश्म उद्यान जो धार में स्थित है, ओमकारेश्वर यह खंडवा में स्थित है, पालपुर कूनू राष्ट्रीय उद्यान ऐसोपुर में स्थित है, और यहाँ गिर के बप्पर शेरों को बसाने की योजना चल रही है। मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व उद्यान तथा 1 वन्यजीव अभ्यारण्य बाघों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एमपी को जो है टाइगर स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। और अब आगे आपकी यहाँ पर बारी क्या है, चैलेंज प्रश्न आज का आपका, कि सरदारपुर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 4 विकल्प हैं, रतलाम, धार, झाबुआ या ग्वालियर। कमेंट में आंसर जरूर बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सभी लोग इसी तरह विस्तृत लिखने का प्रयास करें जिस प्रकार यहाँ पर जितेंद्र धाकड़ जी ने लिखा है। और
जो है रितिका ठाकुर जी ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर लिखा था और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, सभी का सही आंसर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपके लिए कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और रोज अपनी एक क्लास होती है एमपी डेली करंट अफेयर की सुबह 6:30 बजे, तो रोज देखना ना भूलें। एमपी का जो करंट अफेयर है एमपी से संबंधित सभी परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है। और वीडियो को लाइक कर लें, एक बार शेयर कर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुंचे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए टिप टॉप यूट्यूब चैनल। जय हिंद।